बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जबरदस्त टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बड़ों और बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, 3 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है, अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, खोपरा है कद्दूकस किया हुआ, चारों मगज है, आटा है मेरे पास आम गंदम का आटा जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा ये मोटा पिसा हुआ है, इसी तरह हमने इसमें इस्तेमाल करना है। मूंगफली है, खजूरे हैं, गुठलियाँ निकाल ली हैं, और यहाँ पर सफ़ेद तिल है मेरे पास। पर मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब मैंने घी ऐड किया है, घी में ही ये रेसिपी तैयार होगी। घी को मेल्ट होने देंगे, घी मेल्ट हो चुके हैं और घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे अखरोट, हल्का हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मूंगफली, चारों मगज। अब हम इसके अंदर सफेद वाले तिल ऐड करेंगे, साथ ही बादाम ऐड कर दूंगी, हल्का सा इनको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें जी, ड्राई फ्रूट निकालने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है, घी को मेल्ट होने देंगे। तकरीबन अब मेरे पास कढ़ाई में 1 कप के करीब घी है। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर हम गंदम का आटा ऐड कर देंगे, साथ ही बेसन ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। मसलसल आपने स्टेज पे चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त भुनने की खुशबू आ रही है, मैं मसलसल इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ। इसको बस थोड़ी देर के लिए और मैं भूनूंगी और इसको निकाल लूंगी। देखिए जी, इस स्टेज पे आके बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, आटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी खोपरा कद्दूकस किया हुआ, साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी किशमिश। बारी बारी सारी चीजें ऐड करती जाऊंगी। फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स करते जाएंगे। सबसे लास्ट में खजूर, मिक्स करेंगे सारी चीजों को। चलिए जी, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद मैंने इसको हल्का सा भूनना है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालती हूँ, फिर हम अपनी चाश रेडी करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे। आप लोग चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ज्यादा टेस्ट आता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब पानी और इसको मेल्ट होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको मेल्ट होने देना है और चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए जी, यहाँ पर इस स्टेज पे आके गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसको छलनी की मदद से छान लेती हूँ, फिर दोबारा कढ़ाई में ऐड करके इसको पकाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने गुड़ को छानने की मदद से छानने के बाद दोबारा कढ़ाई के अंदर ऐड किया है। अब इसको हम एक तार बनने तक पकाएंगे। इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आके मैं इसको 2 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर बाद में हम इसके लड्डू रेडी करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मिक्सचर ठंडा होने के बाद मैंने कुछ लड्डू बना के रखे हैं, बाकी मैं आपके सामने रेडी करती हूँ। हाथ की मदद से इनको हल्का हल्का सा दबाना है और लड्डू की शेप दे देनी है। बिल्कुल नरम हाथों से हम इसको दबाएंगे। ये देखें जी, इस तरह सारे के सारे लड्डू बना के मैं रेडी कर लेती हूँ। ये देखें जी, ड्राई फ्रूट लड्डू की फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी बने हैं। सर्दियों का मौसम है, बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। जो बच्चे नहीं पसंद करते ड्राई फ्रूट्स, आप उनको इस तरह बनाकर खिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को जरूर पसंद आएंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।